आज बनाएंगे हम एगलेस रेड वेलवेट चीज केक, जो कि मैं आपको काट के दिखा रहा हूँ कि कितना सॉफ्ट केक हमारा बना है। ये देखिए, एक पीस कट किया मैंने। अब मैं इसे आपको फोक से काट के दिखा रहा हूँ कि कितना सॉफ्ट सॉफ्ट केक है हमारा। आप देख सकते हैं, रेड वेलवेट चीज केक एकदम परफेक्ट रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगा। जो रियल रेसिपी है ना, जो ओरिजिनल ऑथेंटिक रेसिपी है, वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं बनाना। सबसे पहले तो हम बाउल में डालेंगे बटर। ये मैंने अमूल बटर लिया है, आप अनसॉल्टेड बटर भी ले सकते हैं, जो कि 1/4 कप लिया है मैंने। इसकी जगह आप रिफाइंड तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं। सॉफ्ट सॉफ्ट बटर लेना, मतलब मेल्टेड लेना। और इसमें मैंने डाल दिया है दही 1/4 कप, बटर के साथ में दही। और पाउडर शुगर डालेंगे हम, तो पाउडर शुगर है मेरे पास 2/3 कप। 2/3 कप का मतलब है 1 कप से थोड़ा सा कम, या फिर आप समझिए आधा कप और 1/4 कप मिलके बनता है 2/3 कप। तीनों को हम मिक्स कर लेंगे, विस्कर से विस्क कर लेते हैं। और बटर जितना हो सके आप मेल्टेड लेना, मेरा मैंने तो यहाँ पे सॉफ्ट बटर लिया है। और इसी के साथ ही इसमें मैंने लिया है रिफाइंड फ्लोर, यानी कि मैदा। मैदा को छान के डालेंगे हम, 1 कप है यानी कि 120 ग्राम। और इसमें हम डाल देते हैं कोको पाउडर। कोको पाउडर ना आप लाइट वाला लेना। यहाँ मैंने 1 टीस्पून, 1 छोटा चम्मच डाला है, आप 2 टीस्पून तक डाल सकते हैं इसमें कोको पाउडर। और बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर ले लेते हैं, तो ये 1 टीस्पून है यानी कि 1 छोटा चम्मच। और साथ में बेकिंग सोडा 1/2 छोटा चम्मच, 1/2 टीस्पून। इन सबको ना एक साथ छान लेते हैं। छानने के बाद अब हमें क्या करना है, मिक्स करना है और फिर इसमें डालना है मिल्क। तो मिल्क लिया है मैंने 1/2 कप, यानी कि 125 ml। 125 ml हमने मिल्क लिया, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। और एक चीज़ बता दूँ आपको, जितने भी जो इंग्रेडिएंट्स मैंने लिए हैं वो रूम टेम्परेचर पर रखे हुए हैं, जैसे दही है, दूध है। ये देखिए, थोड़ा सा मिल्क हमारा बच गया है, लगभग 1 टीस्पून के आसपास बच गया है। और इसमें हम डालेंगे अब ये रेड कलर, जो कि डलेगा 1 छोटा चम्मच यानी कि 1 टीस्पून। तो पहले मैं 1/2 छोटा चम्मच डाल रहा हूँ, फिर देखेंगे कितना कलर की और आवश्यकता पड़ेगी हमें। तो 1/2 छोटा चम्मच मैंने डाला यानी कि 1/2 टीस्पून, तो इतना कलर आया। फिर मैं इसमें और डाल रहा हूँ कुछ बूंदें करके, ड्रॉप कर करके। तो टोटल जो है 1 टीस्पून, 1 छोटा चम्मच हमारा लग गया इसमें रेड फूड कलर। और अब आप कलर देखिए, एकदम परफेक्ट कलर है ना बैटर का। कंसिस्टेंसी देखिए, एकदम परफेक्ट है। और बैटर हमारा बिल्कुल तैयार है। ट्रांसफ़र करते हैं अपने केक टिन में। तो ये जो प्रोसेस मैं आप कर रहा हूँ, ये आपको पहले ही करना है। केक टिन को पहले ही तैयार करके रखना है। मैं इसे अभी तैयार कर रहा हूँ। बैटर बनाने से पहले आप तैयार कर लेना। इसमें बटर लगा दिया है मैंने, आप रिफाइंड तेल भी लगा सकते हैं। और इसमें हम क्या करेंगे, एक बटर पेपर लगा देंगे, गोल काट के पहले ही रखा हुआ था मैंने, वो मैंने नीचे लगा दिया ताकि केक हमारा आसानी से निकल आए। इसमें मैंने बैटर ट्रांसफ़र कर दिया है सारा का सारा। और बैटर ट्रांसफ़र करने के बाद टैप करना मत भूलना, मतलब से थपथपाना, ताकि इसके अंदर से जो एयर बबल्स है ना वो निकल जाए और केक हमारा इवनली अच्छे से बेक हो जाए। चलते हैं अपने अवन की तरफ। तो 180 डिग्री सेल्सियस पे पहले ही मैंने अपना प्री हीट कर लिया था अवन, कन्वेक्शन मोड पे। और 30 से 35 मिनट लगेंगे इसको बेक होने में। 180 डिग्री सेल्सियस आप देख सकते हैं ऊपर टेम्परेचर, कन्वेक्शन मोड है। टाइम सेट कर देते हैं 30 मिनट का, 30 मिनट से ऊपर भी लग सकते हैं। पहले 30 मिनट के लिए इसे बेक कर रहा हूँ। जब तक ये केक बेक हो रहा है, तब तक मैं ना आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये है हमारे पास इंस्टेंट वाटर हीटिंग टैप। एक तरीके से ये गीज़र है, छोटा गीज़र। इसमें क्या है, फटाफट तुरंत इंस्टेंटली पानी गर्म हो जाता है, 5 से 6 सेकंड में किसी भी नल में ये आराम से इंस्टॉल हो जाता है। आप आराम से इसे लगा सकते हैं। और सर्दियों में नल में ठंडा ठंडा पानी आता है, जिससे बर्तन साफ करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। वैसे भी पानी, गर्म पानी की आवश्यकता तो पड़ती है ठंड में, तो ये काफ़ी अच्छा है गर्म पानी के लिए। फटाफट गर्म पानी हो जाता है। और देखिए इधर, ये डिजिटल स्क्रीन है जहाँ पर टेम्परेचर मेंशन होता रहता है, 55, 47, जैसे भी टेम्परेचर होता है पानी का, वो इधर मेंशन होता रहता है। और एक तरफ ठंडा पानी आता है यानी कि नॉर्मल पानी, और एक तरफ गर्म पानी आता है। ये देखिए, अब गर्म पानी आ रहा है। अगर आप इसे बाई करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी हुई है, वहाँ पर क्लिक करके आप इसे बाई कर सकते हैं। तो चलिए रेसिपी में कंटिन्यू होते हैं, आगे रेसिपी को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ केक हम बेक कर रहे हैं, यानी कि स्पॉन्ज बेक कर रहे हैं अवन के अंदर। आप चाहो तो कढ़ाई, कुकर या फिर पैन में भी बेक कर सकते हो। काफ़ी सारे केक में मैंने पैन का यूज़ किया है। ऊपर आई बटन पर लिंक छोड़ रहा हूँ, वहाँ से देख लेना। और केक्स, ये देखिए केक हमारा बेक हो चुका है। 30 मिनट पे मैंने ना चेक किया था, लेकिन तब केक बेक नहीं हुआ था। अब टोटल 35 मिनट मैंने बेक किया। और अब मैं इसमें टूथपिक डाल के देख रहा हूँ कि केक हमारा बेक हुआ है कि नहीं। तो एक जगह डाला तो सूखी टूथपिक निकली। मैं हर जगह डाल के देख रहा हूँ बीच बीच में, कि पता चले कि कहीं से
अच्छा ना रह जाए, बेटर ना रह जाए, इसीलिए। तो केक परफेक्टली बेक हो गया 35 मिनट में 180 डिग्री सेल्सियस पे। इसे मैंने किचन टॉवल से ढक दिया है, हल्का गीला कपड़ा है ये, ताकि ये सॉफ्ट बना रहे। अगर नहीं ढकूंगा तो ये जो ऊपर की इसकी जो स्किन है ना, वो ड्राई हो जाएगी हवा लगने से। ढक देते हैं और 30-35 मिनट के लिए ढक देते हैं ऐसे ही। और अब आप देखिए इधर, ये है हमारे पास क्रीम चीज़, ये है 150 ग्राम का पैक है, इसमें से 75 ग्राम चीज़ हमें चाहिए। और एक चीज़ का ध्यान रखना, इसे आप फ्रीज में रखना। तो मैंने ये फ्रीज में से बाहर निकाल ली है, 75 ग्राम चीज़ ली और उसको डाल दिया बोल के अंदर। और इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे पाउडर शुगर 1/4 कप। पाउडर शुगर की जगह पर आइसिंग शुगर यूज़ की जाती है, लेकिन मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है तो मैंने ये पाउडर शुगर ली है। लेकिन आपको आइसिंग शुगर ही लेनी है, ना हो तब आप लेना ये पाउडर चीनी। अब पाउडर चीनी ले ली है, छान ली है, इसके साथ ही हम इसमें ना कॉर्नफ्लोर डालेंगे, या फिर आप अरारोट ले सकते हैं आधा छोटा चम्मच। जो आइसिंग शुगर आती है उसके अंदर ऑलरेडी एडेड आता है कॉर्नफ्लोर, कुछ परसेंटेज कुछ मात्रा में होता है पहले से, इसलिए आइसिंग शुगर यूज़ की जाती है। मैंने यहाँ पे आइसिंग शुगर नहीं है तो इसीलिए पाउडर शुगर और कॉर्नफ्लोर ले लिया। ये देखिए, अब हमने इलेक्ट्रिक हैंड विस्कर लिया है, इससे हम इसे बीट करेंगे। इसे हम स्लो स्पीड पर 1-2 मिनट के लिए ही बीट करेंगे बस। और बीट करने के बाद मतलब एक तरह से मिक्स हो जाए बस, और जो चीज़ है वो थोड़ी सॉफ्ट सॉफ्ट हो जाए, तब हम इसमें डालेंगे वनीला एसेंस। तो मेरे पास ये वनीला एसेंस है, आधा छोटा चम्मच यानी कि 1/2 टीस्पून ये डाल दिया है। और इसे फिर 1-2 मिनट के लिए और कर लेते हैं चीज़ को बीट। और मैं बता रहा था ना कि आपको चीज़ के साथ आइसिंग शुगर और वनीला एसेंस तीनों डाली जाती हैं। मेरे पास आइसिंग शुगर नहीं थी तो मैंने पाउडर शुगर ली विद कॉर्नफ्लोर। और ये देखिए चीज़ हमारी तैयार है, क्रीम चीज़ तैयार है। अब हम क्रीम को व्हिप करेंगे। तो मेरे पास ये व्हिप टॉपिंग, आपको वही क्रीम लेनी है जिस पे मेंशन हो व्हिप टॉपिंग, या फिर लिखा हो नॉन डेरी। ब्रांड कोई भी हो चलेगा, लेकिन व्हिप टॉपिंग यानी कि नॉन डेरी क्रीम आपको लेनी है। तकरीबन 1 कप से थोड़ा सा कम ले रहा हूँ मैं, 1 कप तक आप ले सकते हो, थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन 1 कप से थोड़ी सी कम ही ली है मैंने। और इसे हम व्हिप कर रहे हैं। अब व्हिप करेंगे आप, पहले धीरे करेंगे स्पीड, फिर एकदम से मीडियम और हाई पे करेंगे। जब क्रीम व्हिप हो जाएगी तब आपको पता कैसे चलेगा, तो आप इस तरीके से उठाइए, ये जो आप देख रहे हैं ना इसका पीक पॉइंट टॉप पॉइंट वो एकदम स्ट्रेट है। अगर मैं इसे हिलाऊंगा ना तो भी क्रीम हमारी नीचे नहीं गिरेगी, ना वो हिलेगी। इसका मतलब है क्रीम हमारी व्हिप हो चुकी है, आप देख सकते हैं। तो क्रीम व्हिप हो चुकी है, इसमें हम मिला देते हैं अपनी चीज़ क्रीम, जो भी हमने चीज़ को वो किया था ना, व्हिप किया था और उसमें पाउडर शुगर डाली थी, इसको इसमें मिला देंगे। और मिलाने के बाद 1-2 मिनट के लिए कर लेते हैं बस, जस्ट मिक्स हो जाए सारी चीज़ क्रीम के अंदर। तो ये हमारी अब तैयार है क्रीम चीज़, क्योंकि चीज़ भी आ गई, क्रीम भी आ गई। और इधर हमारा जो बेस है, जो स्पॉन्ज है, वो हम डीमोल्ड कर लेते हैं। और ये देखो बटर पेपर नीचे ही रह गया है। अब हम क्या करेंगे, इसका जो ऊपर की हल्की सी जो क्रैक्स है ना, ये लेयर, इसको हम कट करके अलग कर देंगे। कट करना ज़रूरी है, कोई भी केक आप बना रहे हैं ऊपर की लेयर कट करना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये ड्राई ड्राई सी हो जाती है, कितना भी आप कपड़ा ढक लो फिर भी वो ड्राई हो ही जाती है। यह मैंने इसकी 2 लेयर कर ली हैं, और जो नीचे वाली लेयर है इसको हम जस्ट अपोजिट करेंगे और इसके ऊपर हम कार्यक्रम शुरू करेंगे, मतलब कि वर्क करेंगे। इस पर हम पानी लगाएंगे और फिर हम क्रीम लगाएंगे। तो अब हम पानी लगा रहे हैं, मैं ब्रश से पानी लगा रहा हूँ, नॉर्मल पानी है, चाहो तो शुगर सिरप भी लगा सकते हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है, आप पानी लगा लीजिए। इस पर मैंने व्हिप क्रीम विद चीज़ जो अभी हमने मिक्स की थी वो डाल दी है, और एक लेयर लगा देंगे। ज़्यादा पसंद है आप ज़्यादा लगा सकते हैं, मैं यहाँ पे एक हल्की सी लेयर लगा रहा हूँ। और लगाने के बाद क्या करना है आपको, इस पर आप सेकेंड लेयर रखनी है, कैसे भी रख दीजिए सेकेंड लेयर। आप 3 लेयर तक कर सकते हैं, 4 लेयर भी कर सकते हैं, वो आपके स्पॉन्ज के ऊपर है कितना मोटा है स्पॉन्ज। तो ये ऊपर मैंने पानी लगा दिया, और अब मैंने अपने केक टर्न टेबल पर रख दिया, और केक टर्न टेबल को साफ़ कर लेंगे, जो स्पॉन्ज के कण कण से हैं वो अलग हो जाएँ, मतलब साफ़ कर लेते हैं ताकि ये अच्छे से हम काम कर पाएँ। और अब इसके ऊपर लगाएंगे क्रीम। तो अपना जो पैलेट नाइफ है, जो स्पैचुला है, उसको आप साफ़ कर लीजिए एक बार, तब आप इसके ऊपर क्रीम डालिए, क्रीम चीज़, और फैलाएंगे चारों तरफ। फैलाने के बाद साइड से भी कवर कर देंगे, अगर ओपन रखना चाहते हैं तो आप ओपन रख सकते हैं, मैं यहाँ पे पूरा कवर कर रहा हूँ साइड से भी। कम क्रीम पसंद है, ज़्यादा आपको पसंद है वो आपके ऊपर है, आप कितनी लगाते हैं। मैं यहाँ पे नॉर्मल लगा रहा हूँ, ना ज़्यादा ना कम। और ये जो केक है लगभग बनेगा 450 से 500 ग्राम के बीच में, तैयार होने के बाद, मतलब कंप्लीट डिज़ाइन वगैरह बनाने के बाद। और ये देखिए साइड से हमने कर लिया। अब जो एक्स्ट्रा क्रीम है ऊपर,
इसे हम इस हटा देंगे। पहले तो मैं नीचे से क्रीम हटा रहा हूँ जो मेरे को नीचे एक्स्ट्रा लग रही है, ऊपर से क्रीम पैलेट नाइफ से हटा देते हैं। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, इसको ना बहुत सॉफ्ट हैंड से यूज़ करना है आपको, ऐसा नहीं है कि आप एकदम से क्रीम को दबा दो, हल्के हल्के हाथ से करना है। करने के बाद ऊपर ड्रॉप बना रहा हूँ मैं, स्टार नोजल है और पाइपिंग बैग मैंने बनाया है बटर पेपर का, और डिज़ाइन आपके ऊपर आप कैसे बनाना चाहते हैं। मैंने तो ऊपर बस ऐसे ही ड्रॉप रख दिए, फिर मेरे को जगह और दिखी तो मैंने और ड्रॉप लगा दिए। और एक बार उठा लेते हैं और अपने प्लेट पर रख लेते हैं। प्लेट नहीं है आपके पास, प्लेट तो होगी तो आप केक शीट भी ले सकते हैं, और केक शीट नहीं है मैंने, मेरे पास तो प्लेट थी तो मैंने प्लेट में लगा लिया, मतलब कि रख लिया। और ये हमारे जो ऊपर की लेयर थी ना, उसको ऐसे हाथ से क्रम्बल कर लेंगे, और आप इवनली तो कर नहीं पाएंगे एक जैसे, तो आप क्या करोगे इसको मिक्सर की जार में डाल के एक बार चला लेना ताकि ये एक जैसे हो जाए। तो मैं इनको मिक्सर में एक बार चला लेता हूँ, और चलाने के बाद एक जैसे हो गए छोटे छोटे वेलवेट जैसे। इनको हम जो है ऊपर डाल देते हैं, जहाँ आपको लगाना है वहाँ लगाइए, साइड में लगाइए अगर आपको और ज़्यादा लगाने हैं तो। मेरे पास ये कम ही थे, ज़्यादा नहीं थे, तो इसलिए मैंने केवल हल्के हल्के लगाए हैं नीचे, नहीं तो पूरा कवर कर देता मैं। ये देखिए मैंने एक ट्राइंगल शेप में कट कर लिया है, एक पीस उठा लिया है कट करके। इसको अब मैं आपको फोक से काट के दिखाता हूँ कि कितना सॉफ्ट हमारा रेड वेलवेट चीज़ केक बना है। ये देखिए आप कितना सुपर सॉफ्ट विदाउट एग है, और अगर आप बिना ओवन के बना रहे हैं तो भी ऐसा ही बनेगा, सेम कलर आएगा, सेम बनेगा। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। जल्दी ही मिलेंगे अगली रेसिपी में, तब तक के लिए धन्यवाद।